जिनके एक इशारे पर पूरा गुज्जर समाज इकट्ठा हो जाता था, जिनके एक इशारे पर पूरा राजस्थान थम जाता था। वसुंधरा राजे की सरकार हो या फिर अशोक गहलोत की सरकार, फैसला की ताकत का एहसास राजस्थान में दोनों मुख्यमंत्री कई बार कर चुके थे। बता दें कि सीनियर आर्मी अफसर उन्हें जिब्राल्टर की चट्टान कहते तो उनके साथी कमांडो फौजी उन्हें इंडियन रैम्बो कहकर पुकारते थे। सेना से रिटायर होने के बाद उन्होंने समाज के लिए आवाज उठानी शुरू करी और इतनी बुलंदी से उठाई कि सरकार को भी झुकना पड़ा। आज वो गुजरों के मसीहा नहीं रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों ही दलों को चुनौती देने वाले दिवंगत किरोड़ी सिंह मोदी को क्या मानते थे? नहीं ना? तो चलिए आज इतिहास के पन्ने खोलते हैं। बात 2019 की है। लोकसभा के चुनाव होने थे और चुनाव से ठीक पहले किरोड़ी सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की थी। उस समय उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी थी। जहाँ तक पार्टी का सवाल है, मुझे बीजेपी बढ़िया लगी। और जो जो आरक्षण आप कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे आरक्षण के लिए, उस समय कांग्रेस के कुछ लोगों का कहना था कि ये बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, क्या ये सच है? ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मैंने बीजेपी के किसी भी व्यक्ति से बात नहीं की, ना कांग्रेस वाले से बात की। और कुछ लोगों का यह भी कहना था कि एक प्रायोजित जो आंदोलन का कार्यक्रम था और उसके बाद जो सेटल हो गया, उसके बाद बैंसला साहब अपने निजी स्वार्थों को देखते हुए इसको कर रहे थे। आप मुझे ये बता दीजिएगा कि मैंने कांग्रेस से या बीजेपी से निजी स्वार्थ की कौन सी चीज मांगी है और इन दोनों पार्टियों ने मुझे कौन सी चीज दी है, कोई साबित तो कर। आई विल बी टू ग्रेटफुल टू दोज पर्सन हु कैन प्रूव कि मुझे वहां ये लाभ मिल गया, वहां मेरे परिवार को ये मिल गया, या किसी को टिकट दे दिया, किसी को नौकरी दिला दी, किसी को कोई और कुछ लाभ दिला दिया, मुझे बताओ, प्रूव करो। अब आपने क्या कोई शर्तों के साथ में पार्टी ज्वाइन की है या फिर बिना शर्त पार्टी को सहयोग? मेरी कोई शर्त नहीं। मैं तो एक आदमी से, प्रधानमंत्री महोदय से प्रभावित हूं, जिस तरह से उन्होंने ये 5 साल में शासन को चलाया, हालात को हैंडल किया। एक तो मुझे जो उनकी सबसे बढ़िया चीज लगी, रेयर ऑफ द रेयरस्ट, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कॉमन मैन। जब वो बोलते हैं और हम उनको बहुत गहरी नजर से देखते हैं तो मुझे ऐसा फील होता है कि ही इज वन ऑफ अस, ही इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर, इज वन ऑफ अस, हम में से एक है जो हमारे पास बैठ के हमारे सुख दुख की बात कर रहा है। गुज्जर आरक्षण के जनक और गुज्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का लंबी बीमारी के बाद 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गाँव टोडा भीम तहसील के मुंडिया गाँव में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।